स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देश में ओमिक्रॉन का बढ़ता कहर, केरल सहित 5 राज्यों में आए नए मामले, देश में कुल 38 हुए केस, तो जयपुर में 4 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव, लेकिन इनकी कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है नेगेटिव। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है, पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड 19 के 7,350 नए मामले दर्ज किए गए, यह रविवार की तुलना में 5.5% कम है, तो वहीं 202 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी 40 साल का एक शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया, इसी के साथ ही अब महाराष्ट्र में नए वेरियंट के 11 मामले सामने आ चुके हैं। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर किया जलाभिषेक, गंगा नदी में लगाई डुबकी, काल भैरव मंदिर में लगाई ढोक, मां गंगा की आरती में भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर थम का लोकार्पण किया और इस मौके को केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक कार्यक्रम बना दिया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने वाले बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम और 9 डेप्यूटी सीएम भी वाराणसी पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम परिसर के दर्जनों सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की, पीएम मोदी घूम घूम कर सफाई कर्मचारियों के पास भी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि 1000 साल तक बाबा विश्वनाथ का धाम विपरीत परिस्थितियों में रहा, लेकिन आज हजारों वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से हमको ये उपहार मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है, काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है और उनकी सरकार है, जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो उस काशी को भला कौन रोक सकता है। भारत ने जीता मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब, हरनाथ कौर संधु के सिर पर सजा मिस यूनिवर्स का ताज, 21 साल के बाद इंडिया को मिला मिस खिताब। संसद भवन पर हमले की 20वीं बरसीयाद, संसद में उपराष्ट्रपति नायडू और लोकसभा स्पीकर बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जांबाजों को नमन किया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को लोकसभा में सीबीएसई सिलेबस में आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सवाल उठाए। लोकसभा में अधीर रंजन ने पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट की हैकिंग का मामला उठाया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के चलते सरगर्मियां तेज हो गई है, इसी के मद्देनजर 18 दिसंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी में पदयात्रा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्कूल खोलने पर बयान दिया, कहा कि विंटर वेकेशन के बाद ही स्कूल खोलने पर फैसला होगा। राजधानी में द बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव का मतदान जारी, 9 पदाधिकारी और 12 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए हो रही वोटिंग, 10,085 वकील मतदाता शाम 5 बजे तक डालेंगे वोट। देहरादून के कैंट क्षेत्र से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया, बता दें कि कपूर लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट को लेकर आज बेंगलुरु में रोड शो, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री सुभाष गर्ग कर रहे शिरकत, राजस्थान फाउंडेशन कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में सेना के एक मेजर रैंक के अफसर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार का ड्राइवर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, 2 दलालों को भी दबोचा, तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध। जयपुर के फागी में व्यापारी के घर में लूट की बड़ी वारदात, बच्चे पर बंदूक तान कर लूट कर ले गए करीब 20 लाख का जेवर, कुरियर कंपनी एजेंट बनकर आए थे लुटेरे। दिल्ली के करोल बाग में बाइक एक्सेसरीज की दुकान में आग लग गई, गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुई। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जावेद अख्तर ने आवेदन किया कि कंगना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होना चाहिए। भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे ने ट्रेन नंबर 12953
और 12954 अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के तीन रेक्स को तेजस रेक्स से बदलने का फैसला किया, जिसे लेकर तत्काल प्रभाव से ये लागू कर दिया गया है। कुन्नूर क्रैश से पहले हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने वाले शख्स के मोबाइल की फोरेंसिक जांच होगी। वहीं जिला पुलिस ने मामले में जांच के तहत जोए का मोबाइल फोन कोयंबटूर स्थित फोरेंसिक लैब भेज दिया है। एक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका पर एनसीबी ने विरोध जताया और कहा कि अरमान ने थर्ड पार्टी को ड्रग्स बेचे हैं। बता दें कि अरमान ने इससे पहले भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों से बांग्लादेशी नागरिकों को विदेश भेजने का मामला सामने आया, जिस पर एटीएस ने कार्रवाई कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद इंदौर पुलिस के अधिकारियों ने साइकिल भ्रमण किया। इस दौरान लोगों की समस्या को जाना और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ईडी ने दबिश दी और अहमद की 8.14 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर मामले में जांच शुरू कर दी है। मुंबई के अंधेरी में एक बार के सीक्रेट रूम में 17 बार गर्ल्स को बरामद किया गया। दरअसल ये लड़कियां यहां बने मेकअप रूम के अंदर बने सीक्रेट रूम में छिपाई गई थी। पुलिस को इन्हें ढूंढने में 15 घंटे लग गए। सोशल मीडिया पर विरोध और प्रियंका राहुल गांधी के बयान के बाद विवादों में घिरे सीबीएसई बोर्ड ने अपनी ही गलती मान ली। बोर्ड ने 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर सभी स्टूडेंट्स को पूरे नंबर देने का ऐलान किया। सीबीएसई ने इस पूरे मामले में गलती मानी है, अब बच्चों को पूरे नंबर मिलेंगे। दरअसल ये पूरा मामला गड़बड़ा गया था। वहीं सोशल मीडिया पर इसका लंबे वक्त से विरोध भी किया जा रहा था। प्रियंका राहुल गांधी के बयान के बाद ये पूरा मामला जो था वो ज्यादा विवादों में घिर गया था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने अब अपनी गलती मान ली। बोर्ड ने 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर सभी स्टूडेंट्स को पूरे नंबर देने का ऐलान किया है। हालांकि गलती थी, पूरा मामला गड़बड़ाया, विवादों में छाया, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जरूर खुश है क्योंकि अब उनको पूरे नंबर मिलेंगे। राजस्थान की शूटर शगुन चौधरी का कमाल, 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। पंजाब के पटियाला में आयोजित हुई थी चैंपियनशिप। यूं तो कैटरीना कैफ विदेशी है और 2 दशक पहले विदेश से आई इस हसीना को भारत ऐसा भाया कि यहां पर आकर अब वो यहीं की हो गई है। हाल ही में सामने आई उनकी शादी की तस्वीरों में इस बात की वो खुद गवाही देती नजर आई, क्योंकि कैटरीना कैफ पर पूरे तरीके से हिंदुस्तानी रंग अब चढ़ चुका है। वही एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे की इंगेजमेंट हो गई है। पार्टी में अंकिता लोखंडे ने स्टेज पर विक्की जैन को जब अंगूठी पहनाई तो बैकग्राउंड में सुशांत की फिल्म राब्ता का गाना बजा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ऐसी ही रहने की संभावना है, हालांकि इसके बाद गिरने की संभावना जरूर जताई जा रही है। वहीं बुलेटिन में कहा गया कि 14 और 15 दिसंबर को बेहद खराब श्रेणी में रहेगा। देश में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा रही है। ये दोनों कीमती मेटल्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। गहने बनाने वाले गोल्ड के दाम फिर से बढ़े हैं। अलवर में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के पुत्र सौरभ का रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर रिजॉर्ट में आयोजित समारोह में कई नेता, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी के लोग शामिल हुए। जोधपुर के तिवरी में बिजली विभाग की टीम में कार्रवाई करते हुए 9 कृषि उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। बता दें आपको कि 50,000 से ज्यादा के बकाया बिल यहां पर चल रहे थे। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में चोरों ने एक ही परिवार के 3 ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़ डाले, लेकिन परिवार में लोगों के जागने के चलते चोर अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। कोटा उत्तर से भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। नागौर के लाडनू में शाम मित्र मंडल दुजार द्वारा शाम कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन में महिलाओं सहित कई श्रद्धालुओं ने नाच नाच कर बाबा श्याम की हाजिरी लगाई। नागौर के रिया बड़ी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर लोकार्पण का लाइव प्रसारण किया गया और इसकी तैयारियों को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौर द्वारा बैठक का भी आयोजन किया गया था। नागौर के डिडवाना का मुख्य बस स्टैंड प्रशासन के अनदेखे से निजी वाहन चालकों का पार्किंग स्टैंड बन गया है। हालात तो ये है कि दिन भर बड़ी संख्या में दर्जनों वाहन वहां पर खड़े रहते हैं। बस्सी में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पहचान करने में जुट गई है। अलवर के किशनगढ़ बास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के 247 बच्चों को जर्सी वितरण किए गए।
जोधपुर में एयर और एग्जीयर के रूप में 10 से 12 साल तक काम कर चुके ओपी सुथार को हाल ही में अब जोधपुर डिस्कॉम का अधीक्षण अभियंता का दायित्व सौंपा गया है। झुंझुनू के बंडरेला में चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया, लाखों के जेवरात पर पार कर कर ले गए। आपको यह बता दें कि जब एक घटना हुई तब पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। इक्कीस राजपुताना राइफल्स में कार्यरत झुंझुनू के खड़ोद गांव के अजय सिंह ने ताशकंद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और 81 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल कर झुंझुनू सहित पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया। करौली के सपोटरा पंचायत समिति क्षेत्र के ओड़ज गांव के मतदान केंद्र पर सहायक मतदान अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। कोटा के झालावाड़ रोड पर मंडाना टोल पर एक मेटाडोर चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिसके कारण मेटाडोर टोल प्लाजा पर डिवाइडर से वो टकरा गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के आंबा बस स्टैंड पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कल्पेश भारती की कार क्षतिग्रस्त हो गई। श्रीगंगानगर के पंचायत समिति चुनाव में जोन नंबर 10 से नेतेवाला के समाजसेवी विनोद ताकत चुनावी मैदान में है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ भी उनके समर्थन में गांव पहुंचे और ग्रामीणों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। चूरू के सुजानगढ़ के वेलकम होटल के पीछे एक युवक पर हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक परिवादी ने कुछ युवकों पर रास्ता रोककर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर युवक का मेडिकल कराया, मुकदमा दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग के ट्यूशन से वापस न लौटने का मामला सामने आया। परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग के लापता होने का मामला दर्ज कर अब तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में एक बस नदी के पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। बस में सवार चालक और खलासी घायल हो गए, वहीं एक बच्ची बस के नीचे दब गई। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। दोसा हाईवे पर जिरोता के पास एक नीलगाय कार से टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बचे। जयपुर के खानिया चंदा गार्डन के पास एक कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के कारण कार की हाई स्पीड बताया जा रहा है कि इस वजह से यह हादसा हुआ। बामनवास के पिपलाई में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में ग्रामीणों ने रेलवे द्वारा हटवाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जाटपुर में राजस्थान पुलिस का आवाज दो अभियान का जागरूकता रथ पहुंचा, जहां पुलिस विभाग द्वारा नगर पालिका के पास स्थित नेहरू पार्क में जागरूकता का आयोजन किया गया। उदयपुर वाटी के पोस्ट ऑफिस के पीछे विसायतियों के मोहल्ले में स्थित रुई के गोदाम में आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया। विजयनगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान सरकार के खिलाफ की जा रही जन आक्रोश रैली को लेकर मीटिंग संपन्न हुई। बता दें कि रैली 15 दिसंबर को होने वाली है। विजयनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। कार्यक्रम में थानाधिकारी दिनेश चौधरी का भी आगमन हुआ। कोटा में कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पाने वाले सभी शहीदों को हाड़ौती की क्षत्राणियों ने श्रद्धांजलि दी। शहर में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जनरल रावत के हाड़ौती में रह रहे कुछ दूर के रिश्तेदार भी शरीक हुए थे। वहीं झुंझुनू में श्री लावरेश्वर महादेव मंदिर में प्रोजेक्टर के माध्यम से काशी विश्वनाथ की झलकियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोषण को सुना गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव का अभिषेक भी किया। भरतपुर में एसीएस सुधांशु पंत पहुंचे, जिला कलेक्ट्रेट अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जल जीवन मिशन योजना को लेकर चर्चा की गई। सिकराय के बहरावंडा गांव में सड़क मार्ग के घटिया निर्माण को लेकर विरोध किया गया और संवेदक पर मनमानी करते हुए घटिया सामग्री से निर्माण करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत की। पचेरी खुद में 7वीं इंटर कॉलेज फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। रतनगढ़ में पालिका नगर पालिका कर्मचारियों ने धरना दिया और पालिका प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तार करने की मांग की। कंचनपुर के बड़ापुरा गांव में देर रात दौड़ लगा रहे 15 साल के युवक की जीप से एक्सीडेंट में मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने जीप सवार दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पिपराली में लोगों ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में तहसीलदार पर काम नहीं करने के आरोप लगाए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की।
नीमका थाना में संसद हमले में शहीद हुए जेपी यादव की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। संसद शहीद जेपी यादव पार्क में शहर के गणमान्य लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। 8 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपी सहित लग्जरी गाड़ी भी जब्त की। राजसमंद में 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आई 80 वर्षीय महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर प्रशासन ने शव को परिजनों की मौजूदगी में सीधे मुक्ति धाम भिजवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया। ब्यावर में भारत विकास परिषद की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका सहित 11 शहीदों को नमन किया गया। सवाई माधोपुर का जहां राज्य अतिथि जैन मुनि आचार्य महाश्रमण की अहिंसा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता हुई, जहां जिला मुख्यालय के साहू नगर स्कूल परिसर में अहिंसा यात्रा के प्रवक्ता कुमार श्रमण ने मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। जोधपुर के ग्राम पंचायत रजवानी में प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया गया, जिसे आमजन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या का समाधान मौके पर ही किया गया। साथ ही 501 पट्टे देकर रजवानी ने पूरे जिले भर में टॉप किया। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर उद्योगों को आगे लाने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत होने जा रही है। इसकी तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर शिव प्रसाद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सिरोही में विधायक संयम लोढ़ा ने बिलेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। वहीं भगवान शिव मंदिर की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश में खुशहाली की कामना की। सवाईमाधोपुर में जैन मुनि आचार्य महाश्रमण 19 दिसंबर तक के लिए जिले के बिहार पर है और इस दौरान आचार्य महाश्रम का काफिला जिला मुख्यालय के साहूनगर पहुंचा। यहां उनके प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर में राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान और भविष्य में कृषि को कैसे रोजगार के साथ जोड़ा जाए, इसे लेकर मंथन हुआ। प्रतापगढ़ में कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी और जिला दर्शन पुस्तिका का प्रकाशन किया जाएगा। जयपुर के कानोता सरदार सिंह कॉलोनी में जेडीए का पीला पंजा चला। अवैध रूप से बसी कॉलोनी पर भी जेडीए का पीला पंजा चलता नजर आया। चौमू में हरमाड़ा थाना पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी करने के मामले में नांगल सिरस गांव के पूर्व सरपंच मन्ना लाल चाट को गिरफ्तार किया। बता दें कि पूर्व सरपंच ने षड्यंत्र पूर्वक एक ही जमीन को 2 जगह बेचकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। बोरानाड़ा पुलिस के सालावास गांव के रहने वाली शोभा और उसका पुत्र मोहित की गुमशुदगी का 1 महीने बाद भी खुलासा नहीं हो पाया, जिसके बाद पीड़ित पति बाबूलाल ने महाबली सिरा के साथ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। 42 किलो 200 किलोग्राम जोड़ा चोरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूरजगढ़ के श्यालू कला गांव में रारसा रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पुत्र पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। घायल पिता पुत्र दोनों थाने पहुंचे और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। विजयनगर के सथाना ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संघ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह शिकरानी और सरपंच निहाली देवी साहू ने 40 आवेदकों को आवासीय पट्टे वितरित किए। देसूरी में नील गाय को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार 4 पलटी खाकर पलट गई। कार में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई है। पाली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 12 दिसंबर को जन आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर रानी मंडल में भाजपा कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा परमानंद बगीचे में काशी विश्वनाथ का लाइव प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी कॉरिडोर देश को समर्पित करने पर दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन किया। डिगाना के निम्बड़ी कला में प्रशासन गांवों के संघ अभियान का समापन हो गया। इस दौरान शिविर में सभी प्रकार के 51 पट्टे बांटे गए। राजसमंद में भाजपा कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का लाइव प्रसारण देखा, साथ ही इन विशेष कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। ब्यावर में रारसा चिता मेहरात काठात महासभा की बैठक आयोजन हुआ, जहां पर संरक्षक प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात के सानिध्य में आयोजन कर शहीदों की शहादत पर दुआएं मकफिरत की गई। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई का जिला अधिवेशन शिक्षक भवन में संपन्न किया गया, जिसमें पूजा नायक को महासचिव और हिमलता को अध्यक्ष चुना गया। लोहर में उर्वरक और रसायन मंत्रालय के स्वतंत्र निदेशक काशीराम गोदारा 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। प्रवास के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मंत्रालय की आगामी विजन है नोहर में भी खाद्य भंडारण स्थापित किया जाए।
बालसूर के हाजीपुर में एक मकान में बिजली का करंट तोड़ पड़ा, जिससे घर में रखे सभी बिजली उपकरण जलकर खाक हो गए। यहां तक कि परिवार के लोगों के बिस्तर तक जल गए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार चोर गिरोह के दो सदस्यों को अदालत में पेश किया। यहां से दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। अजमेर के एक बार फिर से मोबाइल लूट का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि चाय की दुकान पर बैठा था और उसके हाथ से एक युवक मोबाइल छीनकर भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरी की तलाश शुरू कर दी है। मुकुंदगंज में डुबरा गांव के प्रदीप की मौत के मामले में गाड़ी चालक के समर्थन में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।